नमस्कार दोस्तों, द लीशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, द लीशियम प्लेटफॉर्म पर यूजीसी नेट के साथ साथ आपको यूपीएससी की भी तैयारी कराई जा रही है, जहां यूपीएससी में डॉक्टर फयाज हुसैन आपको तैयारी करा रहे हैं और यूजीसी नेट सोशोलॉजी में आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको पिछली बार एक दुर्खाइम का प्रीवियस ईयर पेपर पर हमने डिस्कशन किया था, आप लोगों का काफी अच्छा फीडबैक रहा, तो मैं उस पर और भी वीडियो बनाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। आज हम कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे और कार्ल मार्क्स के जैसे इसके पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ, दो लेक्चर आ चुके हैं। एक एक जो लेक्चर था उसमें मैंने कार्ल मार्क्स की प्रमुख अवधारणा कॉन्सेप्ट बताए थे आपको और उनकी कुछ बुक के बारे में बताया था कि वो किस बुक में क्या क्या। इसके बाद जो वीडियो आया था उसमें मैंने क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कार्ल मार्क्स क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या कहते हैं, मैंने वो बताने का प्रयास किया। आज हम कार्ल मार्क्स के अगले जो उनकी अगली अवधारणा है हम उस पर चर्चा करेंगे, मोड ऑफ प्रोडक्शन, और मोड ऑफ प्रोडक्शन पर चर्चा करते हुए हम बढ़ेंगे सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर। मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन के पद्धति, उत्पादन की जो पद्धति है उसको समझने का प्रयास करेंगे और उत्पादन की पद्धति कैसे समाज में अधिसंरचना और अधोसंरचना को निर्धारित करती है, हम ये भी जानने का प्रयास। तो कार्ल मार्क्स जो उत्पादन प्रणाली की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उत्पादन, क्योंकि कार्ल मार्क्स समाज की जो व्याख्या करते हैं वो ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर करते हैं कि इतिहास में इतिहास कैसे बना, वो भौतिकवाद यानी जो मटेरियलिस्टिक चीज है उसने कैसे इतिहास को बनाया। जबकि हीगल कहते हैं इतिहास का निर्माण चेतना के आधार पर होता है, व्यक्ति सोचता है वही समाज को देता है और समाज वैसा ही बनता है। जबकि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है, व्यक्ति पदार्थ को देखकर उसकी चेतना में चीजें आती है और उसके आधार पर वो समाज का निर्माण करता है। तो जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है तो कार्ल मार्क्स इस पर चर्चा करते हैं और इसी की चर्चा करने के क्रम में वो अधिसंरचना और अधोसंरचना को भी बताते हैं। मोड ऑफ प्रोडक्शन की वो बात करते हैं, उत्पादन प्रणाली या उत्पादन की पद्धति, वो कहते हैं उत्पादन पद्धति में दो चीजें होती हैं, एक तो उत्पादन के संबंध होते हैं और एक उत्पादन की शक्तियां होती हैं। जो उत्पादन के संबंध होते हैं वो हैव्स और हैव नॉट्स के होते हैं, यानी एक ऐसे होते हैं जिनके पास संपत्ति का स्वामित्व होता है और एक ऐसे होते हैं जिनके पास संपत्ति का स्वामित्व नहीं होता। जिनके पास संपत्ति का स्वामित्व होता है वो पूंजीपति लोग कहलाते हैं, वो सामंत लोग कहलाते हैं, वो मालिक कहलाते हैं। जब मैंने क्लास कॉन्फ्लिक्ट का आपको पढ़ाया था तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट में कुछ अवस्थाएं बताई थी, अब वहां पर देखने की पहले थोड़ा यहां बता दें, वहां पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि कौन पूंजीपति है, कौन हैप्स है और कौन हैप्स नॉट्स नहीं है। तो वो कहते हैं उत्पादन के संबंध है और ये समाज की हर एक अवस्था में पाए जाते हैं, हर एक स्टेज में पाए जाते हैं, और एक उत्पादन की शक्तियां हैं और उत्पादन की जो शक्ति है इसको भी वो दो भाग में बांटते हैं। कहते हैं उत्पादन के साधन है जो मीन्स है प्रोडक्शन के, उसमें क्या क्या आता है, एक भूमि आती है, दूसरा पूंजी, कच्चा माल और श्रम। जो कच्चा माल है इसको वो निर्जीव, यहां से श्रम हटा दीजिए, जो कच्चा माल है उसको वो क्या कहते हैं, निर्जीव श्रम कहते हैं और ये उत्पादन के साधन है। जबकि वो कहते हैं जो कौशल है, जो आपकी इजिबिलिटी है, जो आप श्रम करते हैं इसको सजीव श्रम कहते हैं और इसी पर वो पूरा अपना जो इनका कॉन्सेप्ट है मोड ऑफ प्रोडक्शन का वो इन दोनों चीजों के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो सबसे पहले हम उत्पादन के रिलेशन देख लेते हैं, फिर उत्पादन की शक्तियां देख लेंगे और जो मोड ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है वो कार्ल मार्क्स का क्लियर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स इस समाज की हमेशा बात करते हैं, मैंने इसके पहले वाले में भी लेक्चर में आपको बताया कि जब प्रारंभ में समाज था तो वो आदिम समाज था और निजी संपत्ति का उद्भव नहीं था, यहां पर लोगों में सामुदायिक भावना थी, पर यह सामुदायिक भावना का टूटना प्रारंभ हुआ और ये जो समुदाय था ये परिवारों में बदला और परिवारों के बाद आया निजी संपत्ति का उद्भव। जब निजी संपत्ति का उद्भव आया तो एक समाज ने एक नया रूप लिया और वो कहलाया हमारी स्लैब सोसाइटी, स्लैब मोड ऑफ प्रोडक्शन। देखो मैं मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, आगे आज मोड ऑफ प्रोडक्शन पे बात है। मैंने इसी फ्लो चार्ट में, इसी चार्ट के द्वारा आपको क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी बताया था और इसी चार्ट के द्वारा मैं आपको मोड ऑफ प्रोडक्शन भी बता रहा हूँ।
तो वो कहते हैं कि जब प्रिमिटिव सोसाइटी थी तो प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या था कि सामुदायिक भावना थी और व्यक्ति समुदाय के लिए कार्य करता था, लेकिन जब ये सामुदायिक भावना टूटी और व्यक्ति सामुदायिक से परिवार में आया और वहां से निजी संपत्ति का उद्भव हुआ और इसके बाद जो समाज बना वो समाज स्लेव समाज कहलाया, यानी दास समाज कहलाया। और इस दास समाज में क्या हुआ कि दो प्रकार के लोग बने, एक मास्टर कहलाया यानी जो दास का मालिक था, और दूसरा दास कहलाया। जो मास्टर होते हैं या जो लैंड लॉर्ड होते हैं, सामंत होते हैं, या जो कैपिटलिस्ट होते हैं, समाज में इनकी संख्या कम होती है, और जो स्लेव होते हैं, सर्फ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, इनकी संख्या समाज में अधिक होती है। लेकिन जो इनके मध्य संबंध होते हैं, जो उत्पादन की जो पद्धति है, यहाँ पर जो उत्पाद हो रहा है समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जो चीजें उगाई जा रही हैं, जो चीजें पैदा की जा रही हैं, उनमें और एक अल्पसंख्यक जो ऊपर बैठे हैं, जो निर्देशित करने वाले लोग हैं, और जो बहुसंख्यक हैं जो कार्य में लगे हुए, इनके मध्य संबंध हमेशा द्वंद के होते हैं, ये हमेशा शोषणकारी संबंध होते हैं, ऐसा मार्क्स कहते हैं, कार्ल मार्क्स बोलते हैं। इनके मध्य पाए जाने वाले संबंध कैसे होते हैं, द्वंद होते हैं, डायलेक्टिक होते हैं। तो बात कर रहे हैं हम स्लैब मोड ऑफ प्रोडक्शन की। स्लैब मोड ऑफ प्रोडक्शन में दो प्रकार के संबंध है समाज में, एक मास्टर है और दूसरा स्लैब है। इनके मध्य जो संबंध है वो विरोधाभासी संबंध है, ये मास्टर स्लैब का शोषण कर रहा है, और ये स्लैब अभी एक साथ नहीं है, जब हमें क्लास इन इट सेल्फ से ये क्लास फॉर इट सेल्फ बदल जाएंगे, स्वयं में वर्ग से स्वयं के लिए वर्ग में बदल जाएंगे, तो ये क्रांति करेंगे और एक समाज का नया स्वरूप आएगा जिसे हम कहते हैं फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, यह सामंतवादी समाज होगा। लेकिन यहाँ भी एक्सप्लाइटेशन खत्म नहीं होगा, यहाँ भी दो लोग होंगे, एक मालिक होगा जिसके संपत्ति पर स्वामित्व होगा, क्योंकि निजी संपत्ति का स्वामित्व, तो यहाँ से भावनात्मक जब भाव सामुदायिक भावना खत्म हुई और परिवारों को, तो यहाँ से निजी संपत्ति का जन्म हुआ। और जब हम इस पर पहुंचे, सामंतवादी समाज में पहुंचे, तो यहाँ का जो उत्पादन की पद्धति थी, और जो उत्पादन की पद्धति और उत्पादन के जो संबंध थे, संबंध कैसे हुए, एक तो भूमि के मालिक के साथ हुए और भूमि पर काम करने वाले अर्थ किसानों के साथ हुए। लेकिन इनके साथ भी संबंध संतोषजनक नहीं थे, इनमें भी संबंध शोषण पर आधारित थे। ये लैंड सर्फ का शोषण कर रहा था, तो इनमें भी क्या था कि सर्फ एक लंबे समय तक इनका शोषण हुआ, लेकिन सर्फ में जब अर्ध किसानों में जब श्रमिकों में जब क्लास इनिट सेल्फ स्वयं से वर्ग में स्वयं के लिए वर्ग की चेतना आई और ये पोलराइज हुए और संगठित होकर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक क्रांति की। और इस क्रांति के बाद जो नया समाज आया उसे कार्ल मार्क्स कहते हैं, वो समाज कैपिटलिस्टिक सोसाइटी होती है। और इस पर कार्ल मार्क्स ने खूब लिखा, क्योंकि कार्ल मार्क्स इसी समय के विचारक थे, वो देख रहे थे इस सोसाइटी को, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को देख रहे थे। तो उन्होंने कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में दो लोगों को बांटा, कहते हैं एक कैपिटलिस्टिक है, जो कैपिटलिस्ट है वो उसके पास संपत्ति ज्यादा है, इसके पास निजी संपत्ति ज्यादा है, और जो वर्कर है उनके पास संपत्ति कम है। वो कहते हैं कि वर्कर को उनके श्रम के अनुसार मेहनताना नहीं दिया जाता, मजदूरी उनके श्रम के अनुसार नहीं दी जाती। एक मजदूर की जो वास्तविक मजदूरी है वो वस्तु के उत्पादन के बराबर होती है। मान के चलो कि कोई एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी ने कुछ बनाया, कोई कालीन बनाई या कुछ भी बनाया, और उसको बाजार में 10,000 रुपए का बेच दिया जाता, जबकि ट्राइबल से वो चीज लाई जाती है 600 रुपए। तो वो कहते हैं जब 10,000 में बेची गई तो उसका वास्तविक मूल्य 10,000 है, ना कि 600 रुपए जो आपने ट्राइब से खरीदी या किसी परंपरागत समाज से खरीदी। तो कहते हैं 10,000 और 6,000 के बीच का जो अंतर है वही अतिरिक्त मूल्य है। और जब ये अतिरिक्त मूल्य कैपिटलिस्टिक अपने पास रख लेता है और वर्कर्स का जब सोचा हो जाता है, तो इनमें भी फिर क्या होता है, ये क्लास कॉन्सियस, क्लास इन इट सेल्फ से क्लास फॉर इट सेल्फ में आते हैं, स्वयं में वर्ग से स्वयं के लिए वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग बनाते हैं, इनमें चेतना आती है, वर्ग ध्रुवीकरण होता है, और फिर ये हिंसक होकर एक नए समाज का निर्माण करते हैं। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के बाद जो समाज आएगा वो क्लासलेस सोसाइटी होगी। हालांकि ये आएगा फ्यूचर में, बात की है उन्होंने, ये यूट्यूब भी आया अभी तक आया नहीं, आने की संभावना भी नहीं। और ये जो होगा वो साम्यवादी समाज होगा, अवस्था होगी, यहाँ पर ना वर्ग होगा, ना किसी का शोषण होगा, ना राज की जरूरत पड़ेगी, ना पुलिस की जरूरत पड़ेगी, यहाँ नैतिक कानून होगा और व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा। तो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया होगा कि मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसा है और मोड ऑफ प्रोडक्शन के संबंध कैसे, और मोड ऑफ प्रोडक्शन के जो साधन थे मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि मोड ऑफ प्रोडक्शन की जो आपकी शक्तियां हैं, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन को उगा चीजों को बनाती हैं, उसमें कौशल आता है व्यक्ति
व्यक्ति का सजीव श्रम आता है जो श्रम करता है, और दूसरा मोड ऑफ प्रोडक्शन के साधन होते हैं, उसमें भूमि पूंजी कच्चा माल और तकनीकी से निर्जीव श्रम कहते हैं। और उत्पादन के संबंध हमेशा समाज में रहे हैं हैव्स और हैव्स नॉट्स, इनमें हमेशा कन्फ्लिक्ट होता है, हमेशा द्वंद्व होता है, और एक समाज के बाद एक नई अवस्था बनती जाती है। तो हमें लगता है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो कार्ल मार्क्स का ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है ये समझ में आ गया होगा, कैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, कैसे उनमें द्वंद होता है, कैसे नहीं। इसके बाद कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है और जो प्रोडक्शन के रिलेशन है ये समाज के सुपर स्ट्रक्चर को बनाते हैं। कहते हैं समाज में दो चीजें हैं, एक तो ऐसे है जो संपत्ति पर जिनका स्वामित्व है, और एक ऐसे लोग हैं जिनका संपत्ति पर स्वामित्व नहीं है। तो जिनका संपत्ति पर स्वामित्व है यानी जो सब स्ट्रक्चर पर अपना स्वामित्व जमा लेते हैं वो कहलाते हैं भूमि, वो कहलाते हैं पूंजीपति। और ये पूंजीपति लोग सुपर स्ट्रक्चर को निर्धारित करते हैं। ये सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर क्या है इसको और भी अच्छे से समझने की बात करते हैं। जो बेस है यानी जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था पर जिसका स्वामित्व होगा, जिसकी डिक्टेटरशिप होगी, जो इसका मालिक होगा, वही समाज के अन्य पक्षों को भी निर्धारित करेगा। और वो अन्य पक्ष होते हैं वो समाज के सुपर स्ट्रक्चर होते हैं जो दिखते हैं। कार्ल मार्क्स तो यहाँ तक कहते हैं कि जो सब स्ट्रक्चर पर स्वामित्व है वो सुपर स्ट्रक्चर का ऐसा निर्माण करता है ताकि लोगों का जो सर्प है, मजदूर है, लेबर है, अब किसान है, इनका वो अधिक से अधिक शोषण कर पाए, अपना अधिक से अधिक लाभ कमा पाए। तो जो अधिसंरचना है, अधिसंरचना वो कहते हैं कि अधिसंरचना में आपकी टूल्स है, मशीन है, फैक्ट्रीज है, लैंड एंड रॉ मटेरियल जो आते हैं, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साधन है। यहाँ पर उत्पादन होता है और उत्पादन के संबंध भी होते हैं, मैं अभी बात करके। और इन दोनों पर जिसका स्वामित्व होता है, जो जिसका इस पर अधिकार होता है, वही समाज के सुपर स्ट्रक्चर को निर्धारित करता है। और सुपर स्ट्रक्चर में आपका आर्ट आता है, फैमिली आती है, एक मिनट, कल्चर आता है, रिलीजन एंड फिलोसफी, ये आइडियोलॉजी है। और आइडियोलॉजी को निर्धारित करने वाला आपकी अर्थव्यवस्था है, यानी अर्थव्यवस्था जैसी होगी आपका सुपर स्ट्रक्चर भी वैसा ही होगा। और सुपर स्ट्रक्चर में वो लॉ की भी बात करते हैं, मीडिया, पॉलिटी, साइंस एंड एजुकेशन। एजुकेशन इसका वर्तमान समय में बहुत अच्छा उदाहरण है। कहते हैं शिक्षा पूंजीपति लोग अपने हित में बनवाते हैं, शिक्षा ऐसी होती है जो उनके बच्चों को अधिकतर लाभ मिले। कहते हैं शिक्षा को दो मार्ग में बांटते हैं, एक हिंदी शिक्षा है, एक इंग्लिश शिक्षा है। इंग्लिश शिक्षा में अगर देखें तो ये महंगे स्कूल होते हैं और इसमें पूंजीपति बच्चों के लोग पढ़ते हैं, और जो मजदूर है, जो किसान है, उनका शोषण के लिए उन्होंने एक दूसरी शिक्षा बनवा दी, हिंदी की शिक्षा बनवा दी, जहां पर क्या हो रहा है वो बच्चे उसके साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, मैं शिक्षा में नहीं जा पा। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं ये सब षड्यंत्र है, एक हिसाब से आपको क्रांति करने से रोकने के लिए सुपर स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया जाता है कि आप क्लास इन इट सेल्फ में ही रहते हैं, कभी क्लास फॉर इट सेल्फ में हो ही नहीं पाते। क्या एक परिवार वाला आदमी हिंसा और क्रांति की बात करेगा? तो सब पूर्व मतलब सब ऐसा बनाया जाता है पूंजीपतियों के द्वारा कि आप हिंसा नहीं कर पाओगे। और इस सुपर स्ट्रक्चर को निर्धारित करने वाला सब स्ट्रक्चर होता है, जिसका सब स्ट्रक्चर पर स्वामित्व होगा वो सुपर स्ट्रक्चर को निर्धारित करेगा, जिसका अधोसंरचना पर स्वामित्व होगा वो अधिसंरचना को बना लेगा, इसको अधिसंरचना कहा जाता है, अधिसंरचना। और जो नीचे होता है वो अधोसंरचना होता है। हमें लगता है यहां से क्लियर हो रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। अधिसंरचना ही अधोसंरचना को निर्मित करती है या बनाती है, उसको निर्धारित करती है। तो ये कार्ल मार्क्स के कंसेप्ट है, थोड़ा सा ये रिटर्न में है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो अधिसंरचना और अधोसंरचना है उसको यहाँ पर देखते हैं। वो कहते हैं कार्ल मार्क्स ने संपूर्ण सामाजिक संरचना को दो भागों में विभाजित किया है, और जो ऊपरी भाग है संरचना को उसे अधिसंरचना कहा जाता है, जबकि बुनियादी और निचले भाग को अधोसंरचना की संज्ञा दी जाती है। इन दोनों के सम्मिलित रूप से ही हम संपूर्ण समाज की संरचना या संपूर्ण समाज को समझ सकते हैं। वो कहते हैं अधिसंरचना जो है, अधिसंरचना में कार्ल मार्क्स धर्म, कानून एंड धर्म अफीम है। पूंजीपति ऐसे धर्म का निर्धारण कर देगा, ऐसा धर्म बना देगा कि आप उसके बाहर सोच ही नहीं पाओगे, क्रांति की बात ही नहीं कर पाओगे, आप अपने शोषण को बेहतर मानोगे।
पूंजीपति धर्म को बना देगा, और आप कहोगे कि जो कुछ भी दे रहा है भगवान दे रहा है, भगवान की देन है कि हमें शोषण में रहना चाहिए, आप क्रांति की बात नहीं कर पाओ। ऐसे कानून बना देंगे कि आप क्रांति की बात नहीं कर पाओगे, ऐसी संस्कृति का निर्माण कर देगा कि आप क्रांति की बात, शिक्षा बना देगा कि आपको शोषण ही बेहतर लगेगा। कहते हैं पूंजीपतियों ने धर्म बना दिया, पूंजीपति बेदलों की आवाज है, ये आपको पूंजीपति निर्मित करता है, धर्म को ऐसा बनाता है। कहते हैं परिवार का निर्माण इसलिए क्या किया है कि आप क्रांति ना कर पाओ, आपको क्रांति करने से रोकने की, ये सब षड्यंत्र है, पूंजीपतियों का षड्यंत्र। इसने अधिसंरचना का निर्माण किया है क्योंकि वो अधोसंरचना पर अपना स्वामित्व चाहता है। तो ये कार्ल मार्क्स बता रहे हैं कि अधिसंरचना में क्या क्या आता है। फिर वो अधोसंरचना को कहते हैं कि जिसमें उत्पादन प्रणाली होती है, और उत्पादन प्रणाली में उत्पादन के साधन होते हैं और उत्पादन की शक्ति होती है, जो मैं आपको बहुत सबसे ऊपर ही बता चुका हूँ। कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन की शक्ति और उत्पादन के संबंधों के संपूर्ण योग से ही समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण होता है, यानी जो उत्पादन की शक्ति है और उत्पादन के जो संबंध है, अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो आर्थिक संरचना का निर्माण होता है, और इसी को कार्ल मार्क्स अधोसंरचना कहते हैं, क्योंकि यही वास्तविक नींव है जिस पर समाज की अधिसंरचना खड़ी होती है। वो कह रहे हैं जो आपका नीचे वाला पार्ट है समाज का, जो सब स्ट्रक्चर है, और जो सब स्ट्रक्चर के ऊपर ही आपका सुपर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, इसी पे संस्कृति, कानून, नियम, प्रथा, परंपरा, मूल, रीति, रिवाज इत्यादि सब आपके सब स्ट्रक्चर द्वारा निर्धारित होते हैं, और इस सब स्ट्रक्चर पर पूंजीपति का स्वामित्व होता है, और एक ऐसे सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण करता है जिससे आपका अधिकतम शोषण हो सके, आप क्रांति की बात ना कर पाओ। तो वो कहते हैं कि आपको अगर क्रांति करना है तो आपको अपने आप में वर्ग से अपने लिए वर्ग बनाना पड़ेगा, आपको ट्रू, आपको फॉल्स कॉन्सियसनेस से ट्रू कॉन्सियसनेस में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स बात करते हैं, और फिर वो बताते हैं कि कैसे संगठित होंगे लोगों में, कैसे कॉन्सियसनेस आएगा, और वो कैसे एक नए समाज का निर्माण करेंगे। मार्क्स का कहना है, ये सब मैं बता चुका हूं, बस लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ लें। यहाँ पर मार्क्स का कहना है कि जो अधिसंरचना और अधोसंरचना पर नियंत्रण करता है उसे ही हम सम्मिलित रूप से संचित वर्ग यानी हैप्स क्लास कहते हैं, और जिसका नियंत्रण नहीं होता है उसे हम हैप्स नॉट कहते हैं। इनके पास कुछ नहीं है, जिसके मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को जंजीरें हैं और पाने को पूरा संसार। तो वो किसके लिए आह्वान कर रहे हैं, ये वो कह रहे हैं जो हैव नॉट्स हैं, कहते हैं तुम क्या करोगे, शोषण को झेलते रहोगे, तुम्हें संगठित होना पड़ेगा और एक अपने अच्छे कल का निर्माण करना पड़ेगा, संगठित हो जाओ, और ये धर्म, प्रथा, कानून, परंपरा, रीति रिवाज ये सब क्या है, तुम्हारे शोषण की संस्थाएं, इनसे आपको बचना होगा और एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जो शोषण मुक्त होगा, जिसमें क्लास नहीं होगी, जिसमें व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिले। कार्ल मार्क्स का मुझे लगता है ये आपको उत्पादन प्रणाली समझ में आ गया होगा, और अब इसके बाद मैं कार्ल मार्क्स का एक एलिनेशन वाला कॉन्सेप्ट और है उसको समझाने का प्रयास करूंगा, और इसके बाद मैं कार्ल मार्क्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बताएंगे। और आज के लिए इतना ही, नमस्कार।